नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग सैप से कैसे बल्क में वाउचर्स की पोस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पीएलआई आरपीएलआई के जितने भी वाउचर्स होते हैं जो पीओएस से हम लोग रिसीव करते हैं, तो अभी ज़्यादातर ऑफिशियल्स इसके लिए सीएसआई यूटिलिटी को यूज़ करते हैं। उसमें जितने भी जीएल कोड्स हैं वो सभी को यूज़ करके उसमें वाउचर्स की पोस्टिंग करते हैं। बाद में उसकी फ़ाइल जनरेट होती है और उसको ZBF07 में फ़ाइल को अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, आज वाउचर पोस्टिंग करने का एक और अलग से हम लोग तरीका देखने वाले हैं, कैसे हम लोग बल्क में पोस्टिंग कर सकते हैं FB50 से, जो बल्क में हमारी वाउचर्स की सभी की PLI RPLI के जो होंगे CGST SGST के साथ में सभी को एक साथ में बल्क में हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण शाह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सैप में लॉगिन कर लेना है। सैप में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे टी कोड डालना है FB50। तो ये यहाँ पे टी कोड डालने के बाद में एंटर का बटन प्रेस कर देना, नहीं तो ये ग्रीन बटन पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कंपनी कोड डालना पड़ेगा, तो कंपनी कोड आपको DOPI डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया ये सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है, नहीं तो ये ग्रीन कलर के टिक बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मेन स्क्रीन आ जाएगी, एंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट आप वो डेट रखेंगे जिस दिन के वाउचर्स की आपको पोस्टिंग करनी है। मान लीजिए आपको PLI RPLI के वाउचर्स हैं जो प्रीमियम, और आपके CGST SGST के वाउचर्स होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग आज देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट डालने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको GL कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो PLI या फिर RPLI का GL कोड होगा प्रीमियम का, तो प्रीमियम का दोस्तों यहाँ पे GL कोड डालने के बाद में जहाँ पे D और C लिखा है वहाँ से आप इसको डेबिट या फिर क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है ये रिसीव हुआ है अभी, तो फ़िलहाल आपको इसको क्रेडिट में लेना पड़ेगा, यानी कि जो 50 की एंट्री होती है, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में कितनी अमाउंट थी वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लीजिए वो हमारी यहाँ पे 1000 रुपीज़ थी, तो वह यहाँ पे 1000 रुपीज़ हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टैक्स का कॉलम है, अगर वो टैक्स के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको V0 टैक्स कोड लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पे वो डालने के लिए भी बता देगा सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे CGST और SGST के GL कोड डालने पड़ेंगे। तो चलिए PLI के CGST और SGST के GL कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में वही आपको डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करना पड़ेगा इनके लिए भी। तो डेबिट और क्रेडिट आप यहां से वही सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी रिसिप्ट साइड में आएगा तो इसको क्रेडिट लेंगे 50 की एंट्री। तो जितनी CGST की अमाउंट होगी वो अमाउंट यहां पे लिख देंगे। तो अमाउंट यहां पे एंटर करने के बाद में तीसरा हमारा जो GL होगा वो SGST होगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे GLs में एक साथ में पोस्टिंग कर सकते हैं, आपको बस उन GL को ये अलग अलग रो में उनको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए SGST का जो PLI का GL कोड है वो यहाँ पे अभी नोट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे उसको क्लिक कर देना है और यहाँ फिर से आपको वही क्रेडिट सेलेक्ट कर लेना है, और सेम अमाउंट रहेगी आपकी जो SGST की रहती है, तो वो अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों एंट्री होने के बाद में आपको POS कैश यहाँ का उसका GL लेना पड़ेगा। तो POS कैश का GL यहाँ पे लिखने के बाद में अब की बार जो आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको डेबिट की एंट्री लेनी पड़ेगी, यानी कि 40 की जो हमारी एंट्री होती है। और यहाँ पे तीनों जो आपने ऊपर की जो अमाउंट लिखी है उन तीनों का सम यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए 20, 20 और 1000 था, तो यहाँ पे 1040। तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर बता देगा वो टैक्स कोड के लिए, तो आपको वहाँ पर टैक्स कोड डाल देना है। तो देखिए यहाँ पे टी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको V0 सेलेक्ट कर लेना है। V0 सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्क्रॉल करके आगे इसमें अपने ऑफिस का प्रॉफिट सेंटर भी डाल देना है।
तो ऐसा आपको सभी एंट्री में करना पड़ेगा, जिस जिसको टैक्स कोड लगेगा सभी के लिए और जीएल कोड। देखिए जब आपको ऐसा आए तो यहाँ पे आपको एंटर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एंटर क्लिक करेंगे तो लिखने के लिए स्पेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको देखिए अलाउड नहीं कर रहा है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये ब्लैंक एंट्री में चला गया। उसके बाद में जिस रो में आपको लिखना है उस रो में आप अपना प्रॉफिट सेंटर डाल देंगे। तो ऐसे ही आपको जो प्रॉफिट सेंटर डालना है वो सभी एंट्रीज़ के लिए प्रॉफिट सेंटर डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप यहाँ कोई भी जो है प्रॉफिट सेंटर या फिर टैक्स कोड कुछ भी लिखना भूल जाते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, जहाँ पे आप अभी लेफ़्ट हैंड साइड में ये ग्रीन कलर का टिक बटन देख रहे होंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बता देगा जो भी एरर होगा आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिर से देखिए आप यहाँ पे वो हाईलाइट हो रखा है जिसमें भी अभी टैक्स कोड डालना है, तो दोबारा से आपको वहाँ पे टैक्स कोड डालना पड़ेगा। तो चलिए टैक्स कोड अभी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो वही आपको वी नोट लेना पड़ेगा सब में। तो देखिए जैसे यहाँ पे वी नोट लेते हैं, उसके बाद जब चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा नो एरर। उसके बाद में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और ऊपर सिमुलेट का बटन दिखेगा, उस पर आपको सिमुलेट कर देना है। नहीं तो आप शिफ्ट और F9 का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो शिफ्ट F9 भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सिमुलेट की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखेगा 50 की जो आपने वहाँ पे क्रेडिट की एंट्री ली थी उसमें कौन से जीएल हैं, और जो 40 की आपने डेबिट की एंट्री ली थी उसमें कौन सा जीएल है। तो जब आप यहाँ से सबको एक बार चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद में आप यहाँ से इसको पोस्ट कर सकते हैं, जो आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, नहीं तो ऐसे ही आप कंट्रोल एस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसके साथ में और RPLIs की एंट्री करनी है तो आप यहां से बैक बटन पे जाएंगे और इसमें ही साथ में आपको और एंट्रीज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसी के नीचे आपको वो GL यहां पे ऐड कर देना है। तो आपको यहां पे दो ऑप्शन है आपके साथ में, सभी यहां पे जो है GL कोड RPLI के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का और CGST SGST लिखने के बाद में, या तो आप दोबारा से यहां पे POS कैश लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर जो POS कैश आपने लिखा था उसी में टोटल अमाउंट आप PLI और RPLI के सभी अमाउंट को ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी जो हम लिखेंगे वो सभी अमाउंट्स को ऐड करके ही लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखिए RPLI का CGST SGST और प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है प्रीमियम का वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो तीनों GL कोड यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखिए अभी जो ऊपर आपको POS कैश का GL है उसी में मॉडिफिकेशन करेंगे, और उसी में अभी फ़िलहाल जो 1040 अमाउंट लिखा है उसमें टोटल PLI और RPLI का प्रिंसिपल अमाउंट और CGST SGST सभी को मिला के उसमें वो अमाउंट लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहीं पे वो अमाउंट लिखने के बाद में सभी पे चेक कर लेंगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको आएगा नो एरर। उसके बाद आपको सिमुलेट पे क्लिक कर देना है डॉक्यूमेंट में जाके। तो देखिए जैसे सिमुलेट पे क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा सभी कौन सी 50 की एंट्री है, कौन सी 40 की एंट्री है, और सभी डिस्क्रिप्शन में उनके PLI RPLI के देखिए आप यहाँ पे GL कोड के साथ में उनका नाम भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने जो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जो भी ली होंगी, अगर करेक्ट GL में आपके सामने यहाँ पे एंट्रीज हैं तो आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर नोट करने के बाद में आप यहाँ पे डेली अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं, तो वो सारी जो है वाउचर्स की पोस्टिंग आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी बल्क पोस्टिंग की वाउचर्स की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।